हेलो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर है। दोस्तों, आपके मन में अक्सर ये ख्याल आता ही होगा कि जंगल का राजा लायन ही क्यों, टाइगर क्यों नहीं। लेकिन लायन से भी बड़े बड़े जानवर जंगल में मौजूद है, जैसे कि हाथी, जिराफ, हिप्पो। आखिर क्यों लायन ही जंगल का राजा कहा जाता है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे लायन वर्सेस टाइगर, और हम पहले बात करते हैं इन दोनों के मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। देखा जाए तो दोनों ही बिल्ली के प्रजाति से आते हैं, लेकिन दोनों ने ही अपनी ताकत के दम पर जंगल पे बादशाहत कायम की है। तो देखते हैं किसमें कितना है दम। तो पहले लायन के साइज़ की बात करें तो यह 8 फीट लंबे और 3.5 फीट तक की इनकी हाइट होती है, और वहीं टाइगर की साइज़ की बात करें तो यह 10 फीट लंबे और हाइट में 4.3 तक के होते हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ साइज़ के मामले में टाइगर लायन से काफ़ी आगे है। वहीं देखा जाए तो लायन का वेट 210 से भी ज़्यादा भारी होते हैं, और टाइगर का वेट की बात करें तो यह 230 किलो से भी ज़्यादा के होते हैं। कि इन दोनों के बाइट फोर्स की बात करें तो लायन के बाइट फोर्स 650 PSI का होता है, वहीं अगर देखा जाए तो टाइगर का बाइट फोर्स 1050 PSI का होता है। यहां देखा जा सकता है कि टाइगर का बाइट फोर्स लायन से काफ़ी ज़्यादा है। एक ही बार में लायन के शिकंजे से निकल भी जाए, लेकिन टाइगर के शिकंजे से बच पाना नामुमकिन हो जाता है। अगर हम लायन के जंप की बात करें तो लायन 11 फीट तक का जंप ले सकते हैं, वहीं टाइगर के हेवी होने के बावजूद भी वह 15 से 16 फीट तक का जंप ले सकता है। यह सब जानने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि बंगाल टाइगर अफ्रीकन लायन पर काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। अब हम इन दोनों के स्पीड की बात करते हैं। सबसे पहले हम लायन की स्पीड की बात करते हैं। यह तकरीबन 50 माइल 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। वहीं देखा जा सकता है टाइगर 40 माइल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। साथ ही साथ लायन अपना दिमाग नहीं लगाता, लेकिन टाइगर अपना दिमाग लगा के ही शिकार करता है। जंगल की विकट परिस्थितियों का सामना करने के बाद टाइगर काफ़ी मजबूत हो जाता है। ऐसे में अगर लायन और टाइगर की भिड़न हो गई, ऐसे में जीतने के अवसर टाइगर के ज़्यादा होते हैं, जो कि विकट परिस्थितियों में अकेले ही सामना करता है। वहीं देखा जाए टाइगर भीड़ में हमेशा ही हमला करता है। वहीं देखा जाए तो टाइगर जंगल में अकेले ही शिकार करता है, और लायन को आसानी से और आराम से खाना मिल जाता है, क्योंकि लायन मादा शिकार करके लाती है और सबसे पहले अधिकार लायन का ही होता है उस खाने पे। यहाँ देखा जा सकता है कि जंगल में अकेले ही शिकार करने से टाइगर काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिस कारण वो किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकता है। वहीं देखा जाए तो लायन कभी भी विकट परिस्थिति आने पर अपना बचाव नहीं कर पाता है। आपके मन में यह ख्याल आ ही रहा होंगे, हर परिस्थितियों में टाइगर लायन से काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ता है, तो जंगल का राजा टाइगर को क्यों नहीं, लायन को ही क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम बता ही देते हैं इस वीडियो में। आपने अक्सर देखा होगा कि टाइगर अकेला ही शिकार करता है और लायन झुंड में रहता है। इस कारण इसी वजह से लायन कभी भी अकेला नहीं पड़ता, और उनकी मदद के लिए उनके दोस्त, मित्र और रिश्तेदार होते हैं। वहीं टाइगर को देखा जाए तो वह अकेला होता है। अगर किसी भी परिस्थिति में अगर टाइगर अकेला घायल हो जाए तो उसका मरना निश्चित है। वहीं देखा जाए तो लायन घायल भी हो जाए तो उसके नर मादा उसके सपोर्ट करती है, उसके लिए खाना पीना लाती है। इसी कारण से जंगल में राजा लायन को ही कहा गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।